अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा, उसके यूनिट के बारे में पढ़ा। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा वाटर प्रेशर पे, कि वाटर कंटेन इन द वाटर टैंक एक्सर्ट प्रेशर ऑन इट्स वॉल, के पानी के टैंक में जो पानी होता है वो उसकी दीवारों पे एक प्रेशर लगाता है, फोर्स लगाता है। फॉर एग्जांपल, द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द टैप डिपेंड्स अपॉन द वाटर प्रेशर इन द टैंक, के टूंटी से या नल से जो पानी आता है उसका प्रेशर डिपेंड करता है टैंक पर, के पानी का टैंक के अंदर प्रेशर कितना है। जितना टैंक के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही नल या टूंटी में से पानी ज्यादा प्रेशर से आएगा। द वाटर प्रेशर ऑफ टैप डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द वाटर टैंक अबव द ग्राउंड फ्लोर। अब सेकंड चीज क्या है कि जो वो वाटर प्रेशर है टैंक के अंदर वो डिपेंड करता है हाइट पे, कि आपकी जो वाटर टैंक है वो जितना ऊपर होगा, जितनी हाइट पे होगा उतना ही उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। दैट इज वाई द वाटर टैंक्स आर प्लेस्ड ऑन द रूफ ऑफ द टॉप फ्लोर। यही वजह है कि जो टैंकियां होती हैं पानी की उनको सबसे ऊपर वाली फ्लोर पे या छत पर बनाया जाता है ताकि उसका प्रेशर क्या हो, ज्यादा हो। दिस प्रेशर इज टर्म्ड ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप टू द टैब। तो फिर ये प्रेशर क्या होता है, ये प्रेशर फिर पाइप से होता हुआ नल या टूंटी में आ जाता है। द ग्रेटर द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द वेसल देन द ग्रेटर इज द प्रेशर ऑफ वाटर, कि जितना आपकी टैंकी या टैंक जो है वो गहरा होगा उतना ही उसका प्रेशर ज्यादा होगा। अब यहां पर दो चीजें आ गई, एक हाइट आ गई कि जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा, दूसरा गहराई जितनी ज्यादा होगी टैंकी की या टैंक की उतना ज्यादा प्रेशर भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। सच अ लिक्विड प्रेशर विच इंक्रीज विद द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इन कंटेनर इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, के डेप्थ के बढ़ने, गहराई के बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है लिक्विड का तो उस प्रेशर को हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन लिक्विड प्रेशर इन क्लोज कंटेनर, के जो क्लोज कंटेनर होता है उसमें जो लिक्विड प्रेशर है वो कैसे, क्या है या कैसे वो काम करता है या कैसे बनता है। तो वाटर कम्स आउट ऑफ द होल इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंटेनर, के पानी जो है वो बाहर आ रहा है एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। दिस शोज दैट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अलाउज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इसका मतलब जो प्रेशर है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड और फ्लूइड इन अ क्लोज कंटेनर मूव्ड इन रैंडम डायरेक्शन, जैसे कि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो रैंडम मोशन कर रहे हैं रैंडम डायरेक्शन में। दे कोलाइड विद वन अनदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, वो आपस में भी टकरा रहे हैं और जो टैंक है या कंटेनर है उसकी वॉल्स के साथ भी टकरा रहे हैं। दस दे एग्जर्ट प्रेशर इक्वली ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इन ऑल डायरेक्शन, सो जो वो प्रेशर लगा रहे हैं वो फिर हर डायरेक्शन में जो है वो इक्वल है, कहीं पे कम या ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टेट पास्कल्स लॉ। आंसर है कि प्रेशर एग्जर्टेड ऑन फ्लूइड्स इनक्लोज इन अ वेसल इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, के जो प्रेशर है क्लोज कंटेनर में वो हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है, तो इसको पास्कल्स लॉ कहा जाता है। दिस फैक्ट वॉज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय पास्कल एंड इट इज कॉल्ड पास्कल लॉ। नोट है यहाँ पे कि दिस लॉ इज ओनली अप्लाई टू फ्लूइड फिल्ड इन अ क्लोज कंटेनर, कि ये सिर्फ उन फ्लूइड्स के लिए है जो एक क्लोज कंटेनर में मौजूद हो, जो क्लोज कंटेनर में मौजूद नहीं है उनके लिए पास्कल लॉ अप्लाइड नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोलिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर थ्रू पाइप एज अ सोर्स ऑफ मैकेनिकल फोर्स इज कॉल्ड हाइड्रोलिक्स। साइंस की वो ब्रांच जो पानी के प्रेशर को डिस्कस करती है, एक पाइप से गुजरते हुए उसकी फोर्स को डिस्कस करती है, उसे हम हाइड्रोलिक्स कहते हैं। एंड व्हाट इज हाइड्रोलिक सिस्टम, तो फिर हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होगा, सच सिस्टम विच इज ऑफ्टन यूज टू प्रोड्यूस अ लार्ज फोर्स विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल फोर्स आर कॉल्ड हाइड्रोलिक सिस्टम, के ऐसे सिस्टम जो मोस्टली स्मॉल फोर्स से लार्ज फोर्स प्रोड्यूस करवाते हैं उनको क्या कहा जाता है, हाइड्रोलिक सिस्टम कहा जाता है। कि ऐसे सिस्टम जिनमें स्मॉल फोर्स लगाई जाए और उस स्मॉल फोर्स से एक लार्ज फोर्स प्रोड्यूस हो जाए तो ऐसे सिस्टम को हम हाइड्रोलिक सिस्टम कहते हैं।